हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इफ द रेडियस ऑफ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेंस स्फेरिकल इज इंक्रीजिंग एट रेट 1.5। ठीक है, तो सबसे पहले लेट करो आर बी द रेडियस ऑफ बैलून, ठीक है, एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ बैलून्स। ठीक है, अब देखना गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास। इफ द रेडियस ऑफ बैलून विच ऑलवेज स्फेरिकल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू 1.5 सेकेंड। ठीक है, सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया किसका है, बैलून का। अच्छा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है, तो इसका अपन डी एस अपॉन डी टी कर दें, 4 पाई, तो ठीक है, ये 2 आर और ये डी आर अपॉन डी टी, वैल्यू पुट करो, 4 2 8 पाई आर, इसका वैल्यू 1.5, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 पाई आर बचेगा आपके पास। बताओ समझ में आया क्या यहाँ तक। ठीक है, आगे देखो, डी एस अपॉन डी टी का वैल्यू हमने निकाल लिया 12 पाई आर, यही है। मैं क्या कह रहा हूं, इफ डी एस अपॉन डी टी का जो वैल्यू है एट आर इक्वल्स टू 12 पर निकाल के दिखाओ, तो 12 पाई मल्टीप्लाई 12, 144 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे सेकंड लिख देते हैं यहां पर। हैंस एरिया ऑफ सरफेस, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट रेट 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। क्लियर है, क्वेश्चन 9 कंप्लीटेड।